और 2024 में का जो पर्व त्यौहार है वो आने वाला है। तो 2024 का जो पहला पर्व त्यौहार माना जाता है वो मकर संक्रांति माना जाता है। तो मकर संक्रांति की तिथि को लेकर कंफ्यूजन बन रही है, इस साल मकर संक्रांति किस तारीख को मनाया जाएगा और क्या महत्व है मकर संक्रांति का? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। यह वर्ष जो 2024 का प्रारंभ हो रहा है और मकर संक्रांति जो हम लोग मनाते हैं, तो इस वर्ष सूर्य भगवान अपनी राशि का परिवर्तन जो है मकर राशि पर 15 जनवरी को जाएंगे। 15 जनवरी सोमवार चतुर्थी तिथि को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब तक मकर राशि में सूर्य नहीं जाएंगे तो वह संक्रांति कैसी होगी? 15 तारीख को मकर राशि पर सूर्य 9:13 पर जाएंगे, तो उस दिन 9:13 पर जब संक्रांति होगी तो पूरे दिन संक्रांति का पुण्य काल होगा। इसलिए इस वर्ष 2024 में मकर संक्रांति हम लोग 15 तारीख को मनाएंगे और 16 तारीख को एक माघ हो जाएगा, यानी मकर का पहला दिन। तो पहला दिन को हम लोग एक माघ जब होता है तो उसी दिन खिचड़ी भी हम लोग के यहाँ बनता है, भगवान को खिचड़ी भोग लगता है। इसलिए 16 तारीख को, 16 जनवरी को खिचड़ी का पर्व मनाएं और 15 को मकर संक्रांति मनाएं। इस वर्ष यही शुभ माना जाएगा क्योंकि उस दिन मकर में गंगा स्नान करने का विशेष पुण्य माना गया है। तो 15 जनवरी को गंगा स्नान का फल पुण्य मिलेगा, उसी दिन खरमास भी समाप्त हो जाएगा और माघ का प्रारंभ हो जाएगा, उसी दिन से आपका शुभ कार्य होना शुरू हो जाएगा।